बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, आओ मदद करें। हम निकले हैं घर से बाहर हकदारों को हक देने के लिए। हमें एक बाबा जी नज़र आए हैं, चलते हैं उनसे पूछते हैं कि उनका कैसा रोज़गार चल रहा है और वो कितनी दिहाड़ी कमाते हैं। मेरी दुआ होती है अल्लाह पाक मेरे देखने वाले बहन भाइयों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, और ये जो कोरोना वायरस फैला हुआ है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो मुतासर हुए हैं, अल्लाह पाक इसको ख़त्म करे, आमीन। आज हमारे साथ जो हैं अब्बू जी भी तशरीफ़ फरमाए हैं, हमारे अब्बू जी आज हमारे साथ आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस नेक काम में अब्बू जी भी हमारा साथ दिया करेंगे। छुट्टियां हैं, हाँ जी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह पाक जिंदगी दे। संडे का दिन है तो इस वजह से हमने कहा चले अब्बू जी कि चलो इनके साथ मिलके ना। हाँ जी, लोगों की गरीबों की मदद करते हैं। हाँ जी, इंटरव्यू करते हैं। हाँ जी, बाबा जी काफी दूर चले गए हैं। मेरे बहन भाई कमेंट्स करते हैं, मैं उनकी दिल से इज्जत करती हूँ, अल्लाह पाक उनको खुश रखे। और वो कहते हैं आप सबसे जो है ना ज़्यादा सवाब जो है वो नियाब को मिल रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी में इतनी तेज़ धूप में नियाब जो है वो बाहर निकलती है और हकदार ढूंढने में हमारी मदद करती है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह पाक ने हमें इस नेक काम के लिए चुना है, और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमसे ये नेक काम लेता रहे और इस तरह के जो हकदार हैं हम उनकी कुछ ना कुछ मदद करते रहें ताकि अल्लाह पाक राज़ी हो जाए। और देखने वाले बहन भाइयों से भी गुजारिश करती हूँ, जिनको अल्लाह पाक ने बेशुमार बेहिसाब रिस्क दिया है, उनको चाहिए कि इस तरह के जो हकदार हैं उनके लिए कुछ ना कुछ हिस्सा निकालते रहें, क्योंकि ये हम पे लाजिम है। बाबा जी होने जड़े से वो आगे निकल गए से ते पकड़ के आंदा दोबारा बाबे ने पकड़ के आंदा ते बाबा जी कह रहे थे कि शाम का टाइम है तो मेरा रोजी का मसला वा। इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाबा जी, की हाल है? ठीक हो? ठीक ठाक, खैरियत है? की नाम थोड़ा? बशीर अहमद। बशीर अहमद, अच्छा कितनी उम्र अपनी? 70-80 साल होनी है। ते की वजह तुसी यानी 70-80 साल दे विच साइकिल खिची फिर रहे हो? फिर हुण की कर रहे हो? रोजी तां करनी है। रोजी तां करनी है। ते बच्चे नहीं कमांदे तुहाडे? बच्चे नहीं। अच्छा, बच्चे नहीं गए? अच्छा अच्छा अच्छा। ते शादी नहीं करवाई तुसी? शादी कीती होई सी, घर वाले भी फौत हो गए। अच्छा ते नाले फिर बच्चे भी? अच्छा, अल्लाह की मर्जी है। देख हां जी, अल्लाह जी है, तेरा अपनी मर्जी है। अच्छा हार जा। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਈਕਲ ਭਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਵਾਲਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ, ਵਾਲਦੈਨ ਵੀ ਫੋਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਨਸ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਕੁਪਰ ਉਹ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੱਕੇ ਸ਼ੱਕੇ ਧੋ ਕੇ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਸ਼ਬੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਰਾਂ ਪਰਾਂ ਤੇ ਬਸ ਕੋਈ ਚੜ ਬਸ ਪਾਪੜ ਵੇਚ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, 250-300 ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਪੈਕਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ? 400 ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਪੜ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, 400-500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਪੈਕਟ ਆਂਦਾ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ? ਹਾਂ, 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ? 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 1 ਕਿਲੋ ਦਾ। ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, 2 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ 500 250 ਦਾ। 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਲੋ, ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ 250 ਦਾ। अच्छा, ये बेच के ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ? ਅਗਰ 200 ਵਾਲਾ ਤੇ 500 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ? ਬਾੜ ਸ਼ਬੜ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲੋ ਕੇ ਨਾ 300-400 ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੈਕਟ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਆ? ਬਸ ਉਹ ਕਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਪਾਪੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਬਾੜ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਪਾਪੜ ਦੇ ਕੇ ਕਬਾੜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਕਬਾੜ ਵੇਚ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਬਾੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਛਾਪਰ ਪੂਰਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ? ਬਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਘਣਾ ਵਿਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ? ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਬਚ ਗਏ ਆ ਪਾਪੜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਪਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਛਾਪਰ ਤੁਹਾਡਾ? 200 ਦਾ ਹੋਣਾ। 200 ਦਾ ਹੋਣਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੋਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਜੀ ਜੀ, ਦੱਸੋ। चलो किन्ने पैसे दसे? 200 रुपए। 200 रुपए? चलो इन खोलो ना पहले, बच्चों तकसीम करो।
जिन्हें भी बचे है ना इन्होंने बच्चे तकसीम करो। ये देखो छोटे छोटे बच्चे आ मासूम बच्चे ने, लो भी बचो। फातिमा अपने हाथ नाल दे जरा, ये लो लो बच्चों, छोटे छोटे बच्चे ने मासूम। हां जी, इतने ही पापड़ वाले दी आवाज सुनदे ने, ढोल दे होंगे इतने ही। हां जी, मजेदार हैं पापड़, ये झोली च पा के ने इस 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 पर आ इस पर इथू पकड़ इथू पकड़ कुछ दसा दो जरा, सारे ही तकसीम कर दो पापड़ इथे जिन्ने जिन्ने आंदे आ। इन्हों की फातिमा झोली च पा दे कि ग्रां ना लैन। हाँ जी, इस बच्ची ने भी दो थोड़ा इधर आ जा साइड से, उधर आ जा इधर आ जा इधर। इस टाइम छापर नहीं है, अगर मेरे को छापर होंगे तो मैं बच्चों छापर च पा के दे देती, लेकिन मजबूरी ये है कि मेरे को इस टाइम छापर नहीं है। हाँ जी, इन्होंने झोलियाँ पा के दे रहे हैं। वैसे भी बच्चे जड़े हैं ना वो जो भी चीज़ लैन आते होंगे इस तरह ही गोदी ची लैके जाते हैं। हाँ जी, छोटी सी बेबी कहाँ से आई हो? खुश है, खुश हो गए, बच्चे भी खुश हो गए, छोटिया खुशी, बाबे के पापड़ भी वेग गए, बच्चे भी खुश हो गए। आप सिपारा पढ़ने गई थी? माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, गुड़िया सिपारा पढ़ने गई। आहो, ये ले, वाह जी, वह इन्हें भी दो, इन्हें भी पोते दो। आप भी सिपारा पढ़ने गए थे, लेकिन आपके छोटे छोटे हाथ हैं। ये ना इसको इसमें डाल दो, शर्ट में, ये तो काबू कर ला मेरा बेटा, ठीक है, कार ले जा दे, खा लो। चलो कार लेके इन बर्तन च पा ली, मिल गए सारे नु, सारे हो गए जी, ये थोड़ा गिफ्ट है। हाँ जी, अगे बच्चों दे दो। हाँ जी, तो तुहानू असीं दिंदे आ राशन अल्लाह पाक की तरफों, ठीक है, तो आटा वगैरह दिंदे आ। बाबा जी ए राशन चल नहीं, तो बेच पहले आटे का थैला आएगा, आटे का थैला एक मिनट आटे तो थाले ले ऊपर रख लो ना जी, ले जाओगे ना तुम हूँ? अच्छा छोड़ दोगे बाबा जी, है 3000 रुपए ने अल्लाह पाक की तरफ, सलामत रखे, हिम्मत बैठ गया ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਆ ਬਸਤੀ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਅੱਲਾ ਪੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਲਾ ਬਾਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ ਸਾਈਕਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੇਔਲਾਦ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਨੇਕ ਔਲਾਦ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹ ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ ਹਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਲੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਜੀ